गड़बड़ों की बात सुनना अच्छी बात नहीं है यमी। और बालकों को ऐसे गुदगुदी करना अच्छी बात है पिताश्री। देखिए ना, मुझे चोट लग गई। कोई बात नहीं, आप पू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब भी पीड़ा हो रही? नहीं। अब बताओ, छिपकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो जेस के साथ लुका छुपी खेल रही थी और जल बनकर इस पात्र में छिप गई। अब वो दास इसे यहाँ ले आए, उसमें मेरा क्या दोष? यमी, तुम्हें बहने की शक्ति मिली है, परंतु किस दिशा में बहना है इसका विचार तुम्हें भली भांति से विचार करके करना होगा। ये जो भी करती है सोच विचार करके ही तो करती है। मेरी मुद्रिका यमी? मैं नहीं दूंगी। यमी, अच्छा दिस? रुको रुको यमी, देखो तुम्हारे जेश क्या कह रहे हैं। पिताश्री, जेश ने मुझे पहले चिकोटी काटी थी। अच्छा, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। यमी, यमी बाहर जाकर खेलो। जी माता। क्या देख रही है संज्ञा? आपने उत्तर नहीं दिया देव, आप अचानक इतना क्रोधित क्यों हुए? आज तुम्हारे पुत्र ने सीमा तोड़ी। वो मेरे प्रकाश में आया। इसे श्राप देता हूं, मेरी एक भी किरण जिस पर इसे स्पर्श करेगी ये भस्म हो जाएगा। स्कार्ट, आपने उसे नहीं पा रही हूं मैं। चाहे मैं पुत्री को दी गई जलन जो पिता सह नहीं पाया, वो पिता अपने ही पुत्र को कैसे जला सकता है? अग्नि से खेलने वाले जला ही करते हैं। ये प्रारब्ध तुम्हारे पुत्र ने स्वयं चुना है और ये तुम्हारा भाग्य है कि वो अभी तक जीवित है। शनि, शनि।
माता, मैं आपकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहता, परंतु आज शीघ्र लौट आओ, मुझसे आपकी आज्ञा भंग का अपराध हुआ है। विशाखा, यमयवी को भोजन करा देना और सुला देना। माता, माता आप कहीं जा रही है? हाँ, वो आराधना के लिए। परंतु अभी तो समय है। आज तनिक पहले जाना है। परंतु यमी, पुत्री, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाना होगा। समय पर भोजन कर लेना। मेरी पूजा की थाल। जी माता। क्या हुआ माता, मेरा स्वर आप तक नहीं पहुंचा? इतना विलंब क्यों? आइए ना माता। मुझे विलंब हो रहा है यम। यमी, सामग्री सज्ज है माता। यमी, यमी कहाँ रह गई? यमी, जा रही थी अमी? यमी, माता कहाँ हो आप? देखने जा रही थी कि माता साधना करने कहाँ जाती है। यमी, पिताश्री ने आज ही समझाना, बिना अनुमति के छिपकर कोई भी कार्य करना ठीक नहीं है। चलते हैं ना जी, देखे तो माता क्या आराधना करती है। हो सकता है हमें माता खेलने को मिल जाए, हम माता को छिपकर चकित कर देंगे। यमी, न हर समय क्रीड़ा का होता है, न हर अवसर उपहास का। बिना माता की अनुमति के वह जाने की कोशिश भी मत करना। आओ भोजन कर लो।